नमस्कार। सो ये एक अपील है, ये एक रिक्वेस्ट कह लीजिए या हिंट कह लीजिए, सरकारी जिनको सीट मिली ऑल इंडिया कोटा में, कि वो पैनिक ना करें, वो जल्दबाजी ना करें। देखिए, जिसके नंबर ऑल इंडिया कोटा में बिल्कुल लास्ट ही कट ऑफ को मैं छोड़ दूं बस, लेकिन अगर आप उससे रैंक में या नंबरों में 10-15 ऊपर हैं, आपको मालूम है कि मैं यू नो सेफ हूँ, तो आप ये मान के चलिए जो कॉलेज आपको राउंड वन में मिला है वो तो आपका मोटा मोटी सेफ है। सो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हो, हमें पता है कि 19 रैंक पे सीट मिल गई है 618 नंबर पे, या ओबीसी में 617 भी मिल गई है, सॉरी 19 अगेन 20 रैंक के आसपास, या शेड्यूल कास्ट में 1,00,000 रैंक में मिला हुआ है, तो अभी आपको आपके अपने स्टेट्स की काउंसलिंग का रिजल्ट अभी आने हैं। तो लेट्स अगर आप एक 628 मार्क्स वाले हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे हैं, समझिए बात को, मतलब कि आपकी रैंक वही 30-35 हज़ार के आसपास है, तो आपको भी हरियाणा के बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, तो आपको तमिलनाडु केरल जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वेट कीजिए, रिपोर्टिंग की जल्दी मत कीजिए। सबको पता है कि अपग्रेड अलाउड होता है, मैं मानता हूँ अब तो राउंड 2 से राउंड 3 भी अपग्रेड अलाउड है, लेकिन आप अभी रिपोर्ट करने जाएंगे, आपके आने जाने में फ़्लाइट का खर्चा होगा, फिर जब आपको राउंड 2 में अपग्रेड मिलेगा तो पहले उसी जगह जाके आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, आप खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। तो जो MCC का भी रूल है ना कि यू फर्स्ट हैव टू गो एंड टेक द रिलीविंग लेटर फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल, और वो कॉलेज देता है, और कोई भी इंडिया का कॉलेज सरकारी इतना अच्छा नहीं है कि आपको मेल कर देगा, तो आपको पहले उठ के वहाँ जाना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरे क्लाइंट हैं जिनको तिरुपति में या आंध्रा किसी टाउन में सीट मिली है, तो मैंने कहा भैया अभी आप अकेले तो बच्चे को भेजोगे नहीं, कम से कम एक पेरेंट जाएगा, 7-7 हज़ार की टिकट जाने की, 7-7 हज़ार की आने की, अगर आप वहाँ स्टे करके ना करके आपका 30-35 हज़ार रुपये खर्च होगा, डेफिनेटली आपका राउंड 2 में अपग्रेड होगा, डेफिनेटली, क्योंकि स्टेट्स में 85% सीटें हैं, स्टेट्स में 15% नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ऑल इंडिया कोटा इज़ ओनली 15% ऑफ सरकारी सीट्स अदर देन एम्स एंड ऑल दैट, राइट। तो भाई हरियाणा के बच्चे, यूपी के बच्चे, वो अपने स्टेट से सीट लेंगे ना, जब अभी उनको मिलेंगी, GVM कानपुर मिलेगा या अलाहाबाद मिलेगा, गोरखपुर मिलेगा, कासना मिलेगा, हरियाणा वालों को करनाल मिलेगा, BGMS रोहतक मिलेगा, ESI मिलेगा, तो वो साउथ में नहीं जाएंगे। तो जिसको फिलहाल वो सीट मिली हुई है उसको शायद मध्य प्रदेश की सीट मिलना शुरू हो जाए, आई कैन नॉट गारंटी कि हरियाणा मिल जाएगा। सो हैव पेशेंस, ठीक है, सरकारी सीट में स्टेट्स राउंड 1 विल प्ले अ वेरी वेरी बिग पार्ट, और उसके हिसाब से ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 गिरता है, हमेशा गिरता है। तो रिपोर्टिंग की जल्दी मत कीजिए, और इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, यू शुड हैव अ काउंसलर हु टेल्स यू, हु गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय बाय।